हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज अंकुर दे दोस्तों रात के बज रहे हैं सवा दो और अभी अभी मैंने कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी को डिसनी प्लस हॉटस्टार पर देखकर खत्म किया है ये रिव्यू को मैं सुबह अपलोड कर दूंगा तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सीधा आते हैं मुद्दे पर कि फिल्म को देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई देखो बिल्कुल स्पॉयलर फ्री रिव्यू होने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना मैं इतना बताऊंगा कि कार्तिक आर्यन इसमें एक डेंटिस्ट के रोल में है जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा थोड़े से शाये हैं डरे डरे से रहते हैं साथ साथ ठरकी कार्तिक आर्यन आपको इसमें देखने को मिलेंगे उन्हें हो जाता है प्यार उसके उसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको एक खुद हॉट स्टार पर देखना होगा मैं बात करूं अगर स्क्रीन प्ले की तो स्क्रीन प्ले धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह आगे बढ़ता है पर जब वो अपने भयानक रूप में आता है तो आपको हैरान कर देता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जान है कलर ग्रेडिंग और शानदार है जो फिल्म की थीम के साथ जाती है मतलब शशांक घोष ने जो एक आर्ट वर्क किया है ना इस फिल्म के साथ वो बहुत शानदार लगता है उनकी क्लिनिक से लेकर उनके घर तक लड़की का घर जो अलाइवा एफ है इस फिल्म की हीरोइन सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आर्ट वर्क किया गया है जिसके साथ फिल्म के बहाव में बहते हुए चले जाते हैं भाई ये फिल्म जो है ना वन मैन शो है जिसका नाम है कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन आपने आज तक उनको चॉकलेट बॉय की इमेज में देखा होगा कॉमेडी करते हुए हो देखा होगा कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में जो कारनामा किया है अपनी एक्टिंग के द्वारा भाई बड़े बड़े एक्टरों की पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है मैं झूठ नहीं बोल सकता उन्होंने बहुत शानदार काम किया है मतलब डर हैरान और शाई हर की हर किस्म के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं भाव आते हैं वो अपने अंदर इतने अच्छे तरीके से लेकर आए हैं कि आप हैरान पड़ जाएंगे कि वही कार्तिक आर्यन है जिन्होंने भूल भुलैया में आपको हंसाया था और इस फिल्म में आपको बिल्कुल अपोजिट एकदम शौक कर देगा भाई क्या जबरदस्त अभिनय किया है ठहराव देखने को मिला है उनकी आर्थिक एक्टिंग में उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से वो झुके झुके चलते हैं डरे हुए सहमे हुए से रहते हैं मैं कह रहा हूं आपको प्यार हो जाएगा कार्तिक आर्यन से इतनी शानदार एक्टिंग की है पूरी फिल्म को अपने कंधे पर लेकर चले हैं और भाई शुरू से लेके एंड तक क्या कमाल का अभिनय किया है शशांक घोष उन्होंने इस करेक्टर को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है ये एक हॉलीवुड की फिल्म से इंस्पायर है जो 1996 में आई थी आई थिंक बट बहुत अच्छा एडाप्टेशन है बहुत मज़ा आया देखकर दो घंटे और चार मिनट की फिल्म है आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे क्योंकि फिल्म की थीम ही ऐसी है स्टोरी प्रिडिक्टेबल है बट फिर भी आप स्टोरी के साथ साथ आगे बढ़ते हो जाएंगे मैं कहूँगा बहुत अच्छा अटैम्प्ट है कार्तिक आर्यन के करियर में ये फिल्म जो है बहुत आगे लेकर जाने वाली है उनको उन्होंने जो सिनेमा ये पकड़ा है ना अगर इसी तरीके से वो अपने करियर में चॉइसेस रखते रहेंगे एक तरफ कॉमेडी करेंगे एक तरफ मसाला फिल्म करते हैं और एक तरफ इस तरीके की फिल्म करते हैं ना तो मैं कह रहा हूं उन्हें कोई नहीं रोक सकता बहुत आगे जाने वाले हैं बहुत शानदार उमदा काम किया है आप देखेंगे तो आप निराश बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं मैं कह रहा हूं कल से फ्रेडी फिल्म जो है छाने वाली है सोशल नेटवर्क पर इसके रिव्यूज़ देखना बहुत बढ़िया आने वाले हैं क्योंकि फिल्म ही इतनी दमदार है मैं अगर फिल्म को रेट करना चाहूं पांच में से तो साढ़े तीन स्टार देना चाहूंगा इसकी स्टोरी लाइन स्क्रीन प्ले को लेकर बट कार्तिक आर्यन के एक्टिंग के चक्कर में मैं इसको देना चाहूंगा चार स्टार बहुत मज़ा आया ज़रूर देखना निराश नहीं होंगे बाकी वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग